Good morning, students. So how are you all doing? I hope that you all are really doing your work and watching the video carefully. Okay, student, let's start our today topic, that is what a catch. Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. Means कि समुद्र के बाहर जो फिशर्समैन होते हैं वो एक ऐसी जगह को ढूंढते हैं या फाइंड करते हैं जहां पर उन्हें एक अच्छी अमाउंट में जो फिशेस वो मिल जाए, जिससे उन्हें कैच कर पाए. दे स्प्रेड देयर नेट्स. वहां पर वो क्या करते हैं, अपने जो नेट होते हैं, मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं. दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स, जिसके लिए उन्हें बहुत घंटे घंटों तक क्या करना पड़ता है, वहां पर वेट करना पड़ता है फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स, कि जिससे कि वो आराम से वेट करते हैं कि जो फिश आए उनके नेट में आए और फंस जाए और जिससे वो उसे पकड़ ले. ओके, सम बोट्स हैव मोटर्स. सो स्टूडेंट, यस्टरडे वी हैव लर्न दैट देयर इज अ बोट नेम लॉग. There is a boat which is made by log of woods. हमने ये पढ़ा कि जो boat होती है वो लकड़ियों से मिलकर बनी होती है. बड़ी बड़ी लकड़ियों को wood के जो logs होते हैं उन्हें आपस में बांध कर जो boat बनाई जाती है उसे log boat बोलते हैं. तो यहाँ पर एक another boat है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, motor boats, which means जिसमें motor लगी होती है और जो कि बहुत फास्टली क्या करती है, मूव करती है, फास्ट ट्रेवल करती है फ्रॉम दैट प्रीवियस लॉग बोट. तो सो हियर इज रिटन, सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इन टू द सी. कुछ बोट्स ऐसी होती हैं जो मोटर वाली बोट्स होती हैं और वो क्या करती हैं, सम सी में बहुत दूर दूर तक जा सकती हैं. सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, क्योंकि वो बोट्स बहुत दूर दूर तक जा पाती हैं, बहुत अंदर तक, बहुत दूर चल जाती हैं, जहां पर वो क्या कर सकती हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ फिश को कैच कर सकती हैं. दीज बोट्स ट्रेवल पास एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर. अब क्योंकि इस पे मोटर लगी होती है और ये बहुत दूर दूर तक जा सकती है, बहुत स्पीड में जा सकती है, इसीलिए जो इसकी स्पीड है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकती है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर कर सकती है ओनली इन 1 आवर. यानी कि 1 आवर, एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर कर सकती है. यस्टरडे वी टॉक अबाउट दैट लॉग बोट. वो लॉग बोट कल हमने क्या पढ़ा था कि लॉग बोट कितनी डिस्टेंस कवर कर सकती है 1 आवर में. 1 आवर की लॉग बोट 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकती है, वो भी तब व्हेन द विंड इज हेल्पफुल. जब विंड चलती है और उनकी हेल्प करती है मूव करने में, तब वो 1 आवर में 4 किलोमीटर तक पहुंच पाती है. लेकिन यहाँ पे हमें विंड की इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज मोटर है बोट के पास, मोटर बोट है तभी उसका नाम, तो इसीलिए इसकी स्पीड जो है उससे बहुत ज्यादा है. सो हियर इज अ क्वेश्चन आई एम राइटिंग दैट हाउ फार वुड द मोटर बोट Motor boat go in 3.5 hour. It means 3.5 hour में ये वाली बोट कितनी दूरी, डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी दूर जाएगी. तो वी हैव टू आंसर इट. सो बिफोर आंसरिंग इट, हमने कल देखा था कि किलोमीटर्स, फर्स्टली वी विल राइट हियर द गिवन थिंग. हमें गिवन क्या है यहाँ पे, हमें ये गिवन है कि मोटर बोट 1 आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है. तो ये गिवन है 1 आवर में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस मोटर बोट क्या करती है, कवर करती है. सो वाई वी आर यूजिंग किलोमीटर हेयर, because yesterday we have learned that for measuring the distance we use kilometer. Okay, so now let's solve it. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये देखो 1 आवर में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है और हमें फाइंड आउट करना है कि 3.5 आवर में कितना डिस्टेंस वो कवर
करेंगे। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है, हमसे पूछा गया है हाउ फार वुड द मोटर बोट गो, कितनी दूर मोटर बोट जाएगी इन द 3.5 आवर, यानी 3.5 आवर यानी 3 घंटे कंप्लीट और हाफ आवर मोर, इतने घंटे में मोटर बोट कितनी दूर तक जा सकती है। इट मीन्स हमसे डिस्टेंस पूछा गया है। सो लेट्स सॉल्व इट। वी विल राइट अ मोटर, a motor boat travel in one hour. 1 hour में कितना travel करती है? 20 kilometers। बेटा here is 20 kilometer equals to in 1 hour 20 kilometer, it is kilometer। okay, so हमें बताना है कि 3.5 hour में कितना होगी। so in 3 hour, तो 3 hour के लिए करेंगे हम 3 multiplied by 20, तो it will come 3 2 जा 6 and it is 0 0, यानी 3 20 3 जा 60, तो it means 3 hour में 60 kilometer कवर करेगी। now अभी पूछा है 3 hour का, तो हमने find out कर लिया कि 3 hour में कितनी distance कवर करेगी। अब बचा half hour, ये half hour में कितनी distance वो कवर करेगी। तो let's find out half hour। तो कल हमने देखा था कि how to calculate this fraction, how to multiply this fraction with the number। तो जब 3 hour में 3 into 20 हमने 60 निकाला, वैसे ही half hour में half into 20। So look at carefully how I am solving it। 20 1 जा 20 upon में 2, it means 2 will divide 20। 2 क्या करेगा? 20 को divide करेगा। And what will answer come? What the answer come? Let's do in the rough. When the 2 divide 20, 2 1 जा 2, and the 0 here come, and we put here 0, it means 2 10 जा 20। Okay student, the answer come is 10 kilometer। 3 hour 60 kilometer, यानी 3 घंटे में 60 kilometer कवर किया। half hour में 10 करा, तो total, क्योंकि total हमसे total पूछा हुआ है 3.5 hour, so in 3.5 hour what will we do? We will add the 60 and this 10. 60 kilometer plus 10 kilometer equals to 70 kilometer, यानी कि 3.5 hour में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो मोटर बोट? 70 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट, एंड आई विल गिव सिमिलर टाइप ऑफ 2-3 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिसिंग, सो यू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय।